अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? आपके दोनों सब ठीक हो? तो मेरे हस्बैंड गए हैं मुल्तान, तो वो अभी तक के नहीं आए, तो रात को नींद भी नहीं आई है। तो थोड़ा सा डर वगैरह लग रहा था, क्योंकि वो जाते हैं ना तो कहीं तो रात में वापस आ जाते हैं। तो कल गए हैं तो आए नहीं वापस ना, तो मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। नींद भी पूरी नहीं हुई है, बच्चे भी लेट सोए थे और मेरे को तो नींद ही नहीं आई। फिर कोई है नहीं ना, कि यार डर लग रहा था कोई ऐसा कहीं से यहाँ से ना आ जाए, वहाँ से ना आ जाए। तो बाकी सला खैर है। तो मैंने वीडियो बनानी थी आपसे, कि ना मैंने पानी वाला अचार डाला मूली का और वो शलजम कहते हैं, शलजम और मूली का ना अचार डाला, तो वो मैंने रात को उबाल लिया था। तो अभी उठी हूँ ना, तो मैंने उसकी चटनी बनाई है। तो सबसे पहले मूली और शलजम के अचार में हमने क्या करना है, पहले ना मूली और शलजम के जो है ना छिलका उतार के उसको मोटा मोटा सा, इतना इतना मोटा मोटा सा कट कर लेना है, गोल गोल कर लें या चकोर कर लें, तो ज़्यादातर गोल ही अच्छा लगता है। तो गोल कर लें, कट कर लें, कट उसके बाद उसको अच्छी तरीके से धो के और पतीला भर के ना, जिसमें आपने यानी कि इतना पानी रखिएगा जितना आधा पक जाए और आधा पानी रह जाए अचार के लिए, तो वो पकने रख दें। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है पकने में ना, तो जितना पानी रह जाए जितना आपने अचार जाइए। तो उसके बाद हमने अलग यानी कि दूसरी साइड पे हमने चटनी बनानी है। चटनी हमने किस तरह बनानी है कि हमने कुटी मिर्च लेनी है और हसबे जाए कि जितना आप अचार बना रहे हैं, मैंने 2 किलो का बनाया, 1 किलो शलगम है, 1 किलो जो है ना मूली है। तो मैंने जो है ना 20 रुपये की ले ली थी मैंने ना कुटी मिर्चें, तो पता नहीं क्या बोलते हैं कितने ग्राम बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो बहरहाल मैंने 20 रुपये की वो ले ली और 2 पोटी लहसुन के लिए, कि लहसुन के जवे तो लहसुन ज़्यादा डलता है और ज़ीरा नहीं डालते इसके अंदर ना। कुटी मिर्चें, लहसुन और एक होती है राई जो खटास पैदा करती है अचार के अंदर ना, तो वो और उसको मैंने ग्लैंडर कर लिया। मोटा मोटा ग्लैंडर करना है, बिल्कुल पीसना नहीं है, मोटा मोटा ग्लैंडर कर लेना है। उसको मैंने पीस लिया, उसके बाद मैंने अभी यानी कि मैं उठी हूँ और चाय बन रही है सुबह का टाइम है, तो मैंने बोला चलो मैं अचार भी दिखा दूँ अपने व्यूवर्स को, बाकी मैं इसको धूप में रखने जा रही थी। तो वो चटनी डाल के हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसको मिक्स करके हमने किसी भी जार में भर के और तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए धूप में इसको रख देना है। तो उसके बाद ढक्कन मत खोलिएगा, 4 दिन तक के तो बिल्कुल भी ढक्कन ना खोलें, लेकिन ये देखें कि धूप अच्छी तरीके से आ रही हो, बहुत तेज़ इसके ऊपर धूप पड़ रही हो। और जो है ना 4 दिन के बाद आप जब ढक्कन खोलेंगे ना, तो वो आपकी जो स्मेल होगी यानी कि जो खटास की जो स्मेल होगी, ओहो बहुत मज़ेदार होती है। फिर मज़ेदार तरीके से आप इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, और पुलाव जो बनता है हमारे घर में, चिकन का बनता है और मटर का बनता है, आलू वाली तहारी बनती है, उसके साथ डालकर खाएं और दाल चावल के साथ खाएं। रोटी के साथ अच्छा नहीं लगता ये, ज़्यादातर ना दाल चावल के साथ अच्छा लगता है। तो आप लोग डाल के खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर मेरी रेसिपी भी यानी कि पसंद आई हो, वैसे तो मैंने बनाई नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी कि मैं इस तरह बनाती हूँ। तो मैं अभी आपको अचार दिखाती हूँ कि मेरा अचार मैंने किस तरह बनाया है। तो ये मेरा फाइनल लुक है अचार का, तो मैं इसमें आपको चमचा चला के दिखाती हूँ, ठीक है ना? मैं इसमें आपको चमचा चला के दिखाती हूँ, तो आपको दिख जाएगा कि कुटी मिर्ची वगैरह आपने कितनी डाली है और मिर्ची वगैरह कितनी डाली है। तो ये देखिए मैं अचार का चमचा डाल रही हूँ, इसमें ज्यादा चमचा नहीं डालना हमने, क्योंकि जो है ये जो है मैंने देखिए ऐसे क्रश करे थे, ऐसे ऐसे ये मोटे ये मूली है और ये शलजम है, शलजम बड़े अच्छे आते हैं सर्दियों में, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बड़ा मज़ेदार। अभी मैं जो बना रही हूँ, अभी मैं चमचा जो हिला रही हूँ ना, उसमें इतनी प्यारी सी जो खुशबू है, वो मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी इसको खा जाऊँ, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, अभी खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक इसमें खटास ना हो और धूप ना लगे, धूप के बगैर हम इसको नहीं खा सकते। तो ये देखिए मेरा, ये मैंने आपको दिखा दिया, देखिए इतना पानी मैंने रखा है इसके अंदर, और जो है ना मुझे इतना ही पानी चाहिए था। अब जब तक कि हम इसको धूप में रखेंगे ना, ये देखें, तो मैंने इसको आपको फाइनल लुक दिखा दिया आपको। तो हम इसको धूप में रखेंगे, तो धूप में भी थोड़ा पानी खुशक हो जाता है इसका ना, तेज़ धूप में हमने रखनी है।
तो रात के टाइम जो है ना, और सुबह जो जैसे हमारे यहाँ तो सर्दी है अभी लाहौर में, तो तकरीबन अभी मार्च तक के, मार्च में एंड के महीने में यानी कि ख़त्म होगी। फरवरी भी ये थोड़ी कम हो गई है सर्दी जनवरी के मुताबिक, लेकिन ना धूप निकल रही है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको धूप में तो रखना है, लेकिन हमने ना क्या कहते हैं, सुबह जाके इसको धूप में रखना है और शाम होने से पहले, क्योंकि रात को ना ओस गिरती है यहाँ पर, तो शाम होने से पहले हमने इसको अंदर ले आना है, फिर सुबह स्टार्ट हमने धूप रखनी है, क्योंकि हमें 4 दिन इसको अच्छी तरीके से धूप लगानी है। तो आगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक, और चेक करके भी बताऊंगी कि किस तरह बना है, और मैंने बता तो दिया आपको किस तरह बना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं क्यों, मेरे इतने सारे लोग हैं, उनकी वीडियो भी चल रही हैं, और मैं, आप यकीन करें, मैं जिसकी वीडियो देखती हूँ ना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर देती हूँ और लाइक कर देती हूँ, और यहाँ तक के कितनी वीडियो को तो मैंने बेल आइटम क्लिक करा हुआ है। एक है यानी कि यही है सायमा मंसूर, उनकी भी मैंने वीडियो देखी, और जो है ना सायमा मंसूर हो गया, सोनिया गोपाल हो गई, कितने लोगों की मैं वीडियो देखी, सोनिया गोपाल का जितना भी यानी कि खानदान है ना, उन सब की मैंने वीडियो देखी, उन सबको सब्सक्राइब और बेल आइटम भी क्लिक करा हुआ है। तो जैसे ही वो लोग वीडियो डालते हैं तो मेरे पास आ जाती है, तो टाइम होता तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने सब्सक्राइब सबको करा हुआ, लेकिन कोई मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो गाइस ऐसा तो नहीं होता ना, प्लीज़ हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के और ना वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ अब आप हमारा साथ दें। लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, ना बैलेंस लगता ना कुछ लगता, प्लीज़ आप हमारा साथ दें, प्लीज़ प्लीज़। मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ, आगे आपकी मर्जी है आप करें या ना करें, ठीक है। जो है ना आप कर देंगे तो हमारी हमारी यानी कि हो जाएगी इनकम, हमारी आने लग जाएगी, तो हम आपको ढेर सारी दुआएं देंगे। अभी भी मैं देती हूँ, क्योंकि मेरे हो गए 17 सब्सक्राइब, और 2.5 महीनों में मेरे 17 सब्सक्राइब हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बनाना चाहती हूँ वीडियो, ताकि ऐसे सब्सक्राइब होते रहेंगे ना, तो मैं जल्दी अच्छी अच्छी वीडियो और बनाऊंगी। ओके गाइस, अगर मेरी बात का कोई आपको बुरा लगा हो तो मैं सॉरी करती हूँ। ओके फिर।